बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या महाराजगंज से दावदारी ठोकने वाले टूना जी पांडे हवाबाज साबित होंगे? पटना से जो खबर राजद कार्यालय से आ रही है वो कुछ और ही ब्याह कर रही है। महाराजगंज से रणदीप सिंह को टिकट दिया जाने की चर्चाएं पटना में तेज हो गई है। लोकसभा जैसे ही करीब आ रहे हैं वादे ही ठीक वैसे ही हो रहे हैं, जैसे कि उम्मीदवार सरकारी खजाने से पहले ही पैसे अपने जेब में रख लिए हैं। जैसे ही जीतेंगे और वैसे ही अपने सारे वादे पूरा कर देंगे। यानी कुल मिलाकर हर लोकसभा के हवाबाजी का बू सीधी जनता तक सूंघने को मिल रही है। ठीक इसी प्रकार सिवान जिले के परमंडल महाराजगंज लोकसभा से कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। महाराजगंज लोकसभा सीट पर हवाबाजी इतना न चल गया है कि यहाँ के लोगों को नेताओं से धीरे धीरे विश्वास उठने लगा है। यहाँ के लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो गए कि आखिर यकीन किया जाए तो किस पर किया जाए। दरअसल महाराजगंज सीट पर अभी वर्तमान में भाजपा का कब्जा है और यहाँ के सांसद महोदय जनार्दन सिंह सिग्रवाल आश्वस्त है कि हाँ यहाँ से हमें ही उम्मीदवार होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खेला और तमाशा देखने को मिल रहा है वो है राजद गठबंधन से। यहाँ अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जोड़कर देखा जाए तो तीन उम्मीदवार दिख रहे हैं। पहला नाम है रणदीप सिंह का, ताकि पिछला लोकसभा चुनाव यहीं से लड़े थे और परवल दरवदार इस बार भी इस सीट से रणदीप सिंह बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरा नाम फोटो बेसिस पर आ गया है, यानी उछला हुआ नाम नहीं है बल्कि आया हुआ नाम है टूना जी पांडे का। ये लगातार महाराजगंज से हैशटैग चला रहे हैं और पटना में जाकर लालू तेजस्वी के साथ फोटो डालकर फेसबुक पर ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हमको महाराजगंज लोकसभा से टिकट मिल गया है। पिछले दिनों तो टूना पांडे यहाँ तक कह दिए थे कि राजद के पार्टी आलाकमान ने हमको इशारा कर दिया है कि तैयारी कीजिए आप और महाराजगंज में लोगों से जाकर मिलिए और जायजा भी कीजिए। अभी वर्तमान में टूना जी पांडे और उनके छोटे भाई राजद से विधायक बाचा जी पांडे लगातार जनता से जनसंपर्क महाराजगंज लोकसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं। खैर एक और नाम आ रहा है, जैसे कि तीसरा नाम है, बल्कि ये नाम हाल ही में फिलहाल में जुड़ा है। ये गोरियाकोटी विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले विपिन कुशवाहा का है। दरअसल विपिन कुशवाहा सिवान से राजद जिला अध्यक्ष हैं और जिस तरह से समीकरण की बात की जा रही है एनडीए में कि कुशवाहा समाज के नेता को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ठीक उसी बेसिस पर महाराजगंज से भी एक हवा उठ चुकी है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव सरप्राइज के तौर पर विपिन कुशवाहा को सिवान जिला अध्यक्ष बनाए थे, ठीक उसी बेस पर उम्मीदवार घोषित भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की खबरें बेबुनियाद है, बस हवाई ही चल रही है ये खबरें। ताकि महाराजगंज लोकसभा सीट का इतिहास रहा है कि यहां से अभी तक राजपूत समाज के उम्मीदवारों के ही अपना प्यार इस क्षेत्र के जनता ने दिया है। वहीं अभी हमको जो खबरें मिल रही है पटना से, उस खबर में बताया जा रहा है कि हवाबाज साबित हो सकते हैं टूना जी पांडे, क्योंकि रणदीप सिंह को राजद से सिंबल दिए जाने की चर्चाएँ पटना में जोरों पर है। लगातार रणदीप सिंह पटना में कैंप किए हुए हैं, यही नहीं तमाम नेता जिला लेवल के पटना में नेताओं के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं कल ही रात में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के साथ फोटो पोस्ट किए थे टूना जी पांडे। लेकिन ये फोटो वाली रिश्ता टूना जी पांडे को महाराजगंज से टिकट दिला देने में सफल होता है कि नहीं, कहना और टिकट के बारे में सोचना जल्दीबाजी हो सकती है, क्योंकि चुनाव हारने के बावजूद भी रणदीप सिंह 5 साल तक महाराजगंज के जनता के बीच रहे। खैर ये राजद की बात है कि किसे पीला लिफाफा में टिकट अपना देकर महाराजगंज के राजनीतिक रणभूमि में उतारती।